गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने इतिहास के अंदर एक बुक अपने कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड बुक अपने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपना जो पांचवा चैप्टर है, या आपने कहे कि सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए, इस चैप्टर की अपने चर्चा कर रहे थे। इस चैप्टर में अपने दो क्लास हो चुकी है। देखो भैया, यहाँ पर अपने कौन से यात्रियों की चर्चा कर रहे हैं? मुख्य रूप से जो यात्री 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य कहाँ की यात्रा पर आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे, उनकी अपने यहाँ इस चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं। अपने देखो भैया, मुख्य रूप से इस चैप्टर में तीन यात्रियों की चर्चा करेंगे। पहला यात्री जो था वो था अलबरूनी, जो 11वीं सदी में भारत आया था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मोहम्मद गजनवी के साथ में वो भारत आया था। फिर दूसरा आया था अपने भैया इब्न बतूता, जो अफ्रीका या मेक्सिको का रहने वाला था, 14वीं सदी में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ये भी अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे भैया 17वीं सदी में आने वाला एक फ्रांसीसी चिकित्सक, जो एक दार्शनिक, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ था, जिसका नाम था भैया बर्नियर। इस अपने यात्री की आज चर्चा करेंगे। और यह मुगल काल में अपने जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहां, इसके समय भैया ये कहां पर आया था? भारत में आया था। और लगभग 12 वर्षों तक इसने भारत में रहकर यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। तो इसको पढ़ने से पहले भैया अपने कल देखो एक सिस्टम या अपने एक नया कार्य स्टार्ट किया था, वो था कि अपने हर वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कल पॉलिटिकल साइंस की क्लास हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा था। अब ये यहाँ पर कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर आंसर कब बताओगे इनके? तो देखो, जैसे आज का जो क्वेश्चन पूछेंगे ना अपने हिस्ट्री का, इसका अब जैसे नेक्स्ट हिस्ट्री की क्लास होगी उसमें मैं इसका आंसर दूंगा। कल अपने से पॉलिटिकल में क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि सुरक्षा परिषद के जो सदस्य थे वो 11 से बढ़ाकर 15 कब किए गए थे, उसका आंसर दूंगा भैया अब जब पॉलिटिकल की क्लास होगी। इससे क्या अपने पीछे के जो है ना, जो अपने पढ़ चुके हैं टॉपिक, उनका अपने एक प्रकार से रिवीजन होता रहेगा, वो चीज़ें अपने दिमाग में एक प्रकार से घूमती रहेगी। इसलिए अपने ये सिस्टम स्टार्ट किया है। और आज की क्लास का अपना जो क्वेश्चन है वो है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे किस पत्थर से बनी हुई थी? आपको नाम लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे पाई गई है वो कौन से पत्थर से बनी हुई थी। ओके भैया, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। देखो भैया, अपने फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा यानी फ्रांस का, बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक, एक चिकित्सक था। देखो भैया, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने देखो, सबसे पहले अपने कौन आया था? अलबरूनी आया था भारत के अंदर, ठीक है। इसके बाद में कौन आया था भैया? इब्न बतूता आया था 14वीं सदी में। इब्न बतूता आने के बाद में भैया भारत में यूरोपीय कंपनियां आने लग गई। यूरोपीय कंपनियां कौन सी? सबसे पहले अपने यहाँ पर पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद में भैया अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों के बाद में यहाँ पे फ्रांसीसी आ गए, फिर डेनमार्क या डेनिश जो लोग थे वो यहाँ पर भारत आने लगे, और उनके साथ में कई यात्री भी भारत में अपने आए, और उन्होंने भारत के यहाँ पर रहकर भारत का अध्ययन किया और अपने वर्तांत या अपनी कृति या अपने पुस्तक या रचनाएँ लिखी। जैसे अपने बात करें भैया पुर्तगालियों के, जब पुर्तगाली भारत में आए थे 1500 ईस्वी में आए थे भैया, जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उनके समय कई अपने इतिहासकार, कई यात्री जो है वो अपने भारत भ्रमण पर आए थे। जैसे अपने नाम रहे रोबर्टो, जेसुइट रोबर्टो, इसके अलावा भी आपने एक था नोबिली, इसके अलावा था बारबोसा, ये कुछ पुर्तगाली यात्री थे। इसके अलावा फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसियों में था भैया ट्रेवनियर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रेवनियर या इसका ये नाम है भैया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रेवनियर या इसका कई किताबों में नाम तेवनियर भी लिखा आता है, ठीक है। ये था भैया फ्रांसीसी यात्री था, इसने 6 बार भारत का भ्रमण किया था, या 6 बार ये भारत आया था। अब आपके दिमाग में हो रागी गुरु जी 6 बार क्यों आए हो? क्योंकि भैया ये कौन था? एक व्यापारी था, एक जोहरी था। ये जोहरी, जोहरी जानते हो, जो हीरे जवाहरात का काम करता है उसको बोलते हैं जोहरी। तो ये 6 बार जो है वो कहाँ पर आया था? भारत में आया था। और इसने भारत की जो तुलना है वो किससे की थी? ईरान से की थी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और कोई विशेष नहीं। मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा ना जब लास्ट में इस वीडियो में अपने, तो यहाँ पर आपको लिखा दूंगा। इसके बाद भैया जो सबसे मेन व्यक्ति आया था वो कौन था? अपने फ्रांसवा बर्नियर, जिसका अपने बुक में डिटेल से वर्णन किया हुआ है। देखो भैया, इसकी बात करते हैं।
फ्रांसवा बर्नियर अर्थात ये कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। एक विशिष्ट चिकित्सक यानी यह कौन था? एक डॉक्टर था। इसके साथ साथ भी यह एक इतिहासकार भी था, इसके अलावा एक राजनीतिज्ञ भी था और एक दार्शनिक भी था। मतलब डॉक्टर तो इसका बिजनेस था, डॉक्टर तो इसका पैसा था, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ ये इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक भी था। और कहाँ का निवासी था भैया? फ्रांस का निवासी था। देखो ये कहाँ का निवासी है? फ्रांस का। अगर आपको पूछ ले कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था टेंजियर मोरको, और मोरको कौन से महाद्वीप में भैया? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके पहले पढ़ा था अपने अलबरूनी, अलबरूनी कहाँ का था? अपने उज्बेकिस्तान का। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन कब आया, किसके समय आया, कहाँ का निवासी था, ठीक है? यह भैया कब आया था? 17वीं शताब्दी में आया था, और इस समय यहाँ पर किसका शासन था? मुगल सम्राट शाहजहां का काल था। मतलब यह शाहजहां के समय भैया कहाँ पर आया था? भारत में आया था। और शाहजहां किसका बेटा था? आपको पता होना चाहिए, जहांगीर का बेटा था। देखो सबसे पहला मुगल बादशाह कौन? बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां का औरंगजेब। इसके बाद में भैया और भी कई मुगल बादशाह हुए, लेकिन वो थोड़े से अयोग्य और कमजोर मुगल शासक थे, उनका अपने विशेष उल्लेख नहीं है, ठीक है? तो शाहजहां के समय ये आया था भैया। आगे बात करते हैं, जब ये भैया शाहजहां के समय आया था, इस समय चल रहा था उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद में राजा कौन बने, उसको बोलते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। लेकिन भैया शाहजहां के समय उल्टा हुआ। शाहजहां के चार बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, फिर मुराद, फिर सुजा। ये चार पुत्र थे किसके? शाहजहां के। अब औरंगजेब जो था वो क्या था? होशियार था, वो शासक बनना चाहता था। देखो सिस्टम ये होता है कि बाप की मृत्यु के बाद में राजा कौन बनता है? बड़ा बेटा। ये होता है उत्तराधिकार का नियम। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया? अपने तीनों भाइयों की हत्या करके वो क्या बन गया था? शासक बन गया था। तो इन चारों भाइयों के मध्य राजा बनने के लिए जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुए थे, उनको क्या कहते हैं? उत्तराधिकार के युद्ध। और ये उत्तराधिकार के युद्ध किसके समय हुए थे? शाहजहां के समय हुए थे। और इन उत्तराधिकारों के युद्ध को किसने देखा था? इस बर्नियर ने देखा था। जब ये भारत में आया था ना, उस समय ये उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे थे 1658 ईस्वी में। आगे देखो, उत्तराधिकार के युद्ध को आंखों देखा हाल जो है, इसने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, जिसका नाम है भैया बर्नियर ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है भैया, इसको ध्यान लेना। तीनों की पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, अलबरूनी की किताब उल हिंद, इब्न बतूता की रिहल्ला, और बर्नियर की कौन सी है? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। क्वेश्चन आ जाए इसमें किसका उल्लेख है, तो उत्तराधिकार के युद्ध का उल्लेख है। क्लियर है? कब आया था भैया भारत में? 1656 में आया था, और 1668 ईस्वी में यह भारत से चला गया। 1656 में भारत आया था, 1668 ईस्वी में चला गया, यानी कि कितने वर्षों तक यह भारत में रहा था? 12 वर्षों तक यह भारत में रहा था। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये भारत में आया क्यों था? तो देखो शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था भैया, जिसका क्या नाम था? दारा शिकोह। क्या नाम था? दारा या दारा शिकोह नाम था। इसके चिकित्सक के रूप में आया था ये, मतलब इसका पर्सनल डॉक्टर बनकर यह कहां पर आया था? भारत में आया था सबसे पहली बार। लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई? दारा की मृत्यु हो गई। दारा की मृत्यु हो गई तो बाद में भैया यह दारा की मृत्यु के बाद में एक आर्मेनियाई अमीर था, एक अमीर था, अमीर व्यक्ति था। अपने मुगल काल में अमीर होते थे भैया, जो बड़े साहूकार शेठ वगैरह होते थे, उन अमीरों के एक अमीर था, इसका नाम था दानिशमंद। इस दानिशमंद के साथ में यह बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जो बर्नियर है वो सबसे पहले किस रूप में भारत आया था या किस पद पर आया था? तो चिकित्सक के रूप में। दारा शिकोह की मृत्यु के बाद में वो किसके साथ में रहा था? दानिशमंद के साथ में। दानिशमंद कौन था? मुगल काल का एक अमीर था, और दानिशमंद के साथ में किस रूप में रहा था? एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में, चिकित्सक के रूप में किसके साथ था? दारा शिकोह के साथ में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। अब भैया यहां पर इसने क्या किया? अपनी जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, इस पुस्तक में अपने तुलना की भारत की किसके साथ में? पश्चिम के देशों के साथ में, मतलब पूर्व और पश्चिम की इन्होंने क्या की? तुलना की। तो देखो भैया इसने भारत की तुलना जो है वो कौन से देश के साथ में की थी? यूरोप के साथ में की थी। अब यहां पे दो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना,
बर्नियर ने भारत की तुलना किसके साथ में की? यूरोप के साथ में। यहां पर मैंने लिखाया है ट्रेवनियर, जो कौन था? फ्रांसीसी था, ये भी फ्रांस का ही था भैया। इसने भारत की तुलना किसके साथ में की है? ईरान के साथ में। बर्नियर ने यूरोप के साथ में और ट्रेवनियर ने किसके साथ में? ईरान के साथ में तुलना की है। और अपनी जो कृति थी, कृति मतलब अपनी जो पुस्तक, अपनी जो रचना, जो वृत्तांत इसने लिखा था, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, यह किसको समर्पित किया? लुई सोलवा को समर्पित किया। अब भैया ये लुई सोलवा कौन है? तो देखो, बर्नियर कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। तो ये लुई सोलवा जो है भैया, उस समय कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। आपको याद हो, फ्रांस की क्रांति 1789, ये फ्रांस की क्रांति के समय राजा यही था, लुई सोलवा, जो 1776 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक क्या रहा था? फ्रांस का शासक रहा था। इसका एक फेमस डायलॉग है भैया कि यह बात कानून इसलिए है क्योंकि मैं कहता हूं, यह डायलॉग था इसका, फेमस कथन था इसका। यह कहता था कि जो भी मैं कहूं ना, वो क्या है? कानून है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। इतना अहम, इतना घमंड था, एक प्रकार से निरंकुश शासक था। इसी को अपने बर्नियर ने अपनी कृति को क्या किया? समर्पित किया, मतलब उसको सौंप दी। आगे देखो, इसने भैया भारत को यूरोप की तुलना में क्या बताया? दयनीय बताया। किसने? बर्नियर ने कहा कि भारत जो है वो यूरोप की तुलना में क्या है? दयनीय है, गरीब देश है, निर्धन देश है। इसकी जो कृति थी भैया, इस कृति का आगे जाकर अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी भाषा में भी क्या हुआ? अनुवाद हुआ। और सबसे मेन देखो भैया, 1670 से लेकर 1725 के मध्य, मतलब लगभग कितने साल हो गई? 55 सालों के मध्य भैया इसकी जो कृति थी, उसका 8 बार कौन सी भाषा में अनुवाद हुआ? फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद हुआ। क्वेश्चन पूछ ले कि बर्नियर की कृति ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर का सबसे ज्यादा बार अनुवाद कौन सी भाषा में हुआ? तो कौन सी भाषा हो गई? फ्रांसीसी भाषा। तथा 1684 तक भैया इसका 3 बार अनुवाद जो है वो कौन सी पुस्तक, कौन सी भाषा में हुआ था? अंग्रेजी भाषा में भी इसका 3 बार पुनर्मुद्रण हुआ। तो ये था भैया अपना कौन सा यात्री? बर्नियर। तीनों यात्री अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बात और कहूंगा भैया आपको, देखो वीडियो बनाना मेरा काम है, आप लोगों के लिए भले के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आपको मान लो बुरा लगे, चलो अच्छा नहीं लग रहा है तो बुरा मान लो, लेकिन कम से कम अपने कमेंट के माध्यम से आप एक प्रतिक्रिया जरूर से दें, ताकि हमें भी यह पता चले कि आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कम से कम थैंक्स ही कह दो, या ऐसे कह दो कि सर बहुत बुरा था, लेकिन कम से कम लाइक और कमेंट आप जरूर से करें। अब निकालो भैया कॉपी और हेडिंग लगाओ आप, फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक, ये एक मिनट रुको भैया, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो बर्नियर से पहले, ऐसे हेडिंग लगाओ बर्नियर से पहले। पहले इनको लिखा दूं, ये एक दो और आए थे ना अपने पूर्तकाली वगैरह, इनको लिखो बर्नियर से पहले। इसमें लिखो भैया, लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारत की सामाजिक रीति रिवाजों पर अपने वृत्तांत लिखे, जैसे जेसुइट रोबर्टो नोबिली बारबोसा, जिसे पुर्तगाली बर्नियर से पहले भारत की यात्रा पर आए। इनके बाद बर्नियर से पहले एक फ्रांसीसी यात्री ट्रेवनियर, ये लिखा हुआ है भैया ट्रेवनियर या टेवर्नियर, ठीक है, एक फ्रांसीसी यात्री ट्रेवनियर या टेवर्नियर 6 बार भारत की यात्रा पर मुगल सम्राट शाहजहां के समय आया था। यह एक जौहरी था। इसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। अब हेडिंग लगा लो भैया, फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। इसमें लिखो भैया,
इस प्रकार से लिखते रहा करो। देखो जैसे मैं लिखा रहा हूँ ना पॉइंट टू पॉइंट, इसमें क्या आपको याद करने में आसानी रहती है लाइन टू लाइन। तो लिखो भैया, यह फ्रांस का निवासी था, यह एक डॉक्टर, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक था। बर्नियर 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के समय भारत आया। मुगल सम्राट शाहजहां के समय भारत आया। उस समय भारत में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जिसका आंखों देखा हाल बर्नियर ने अपनी करती बर्नियर ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखा। इसको इन्वर्टेड कोमा में कर लेना भैया, बर्नियर ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में लिखा। पैराग्राफ चेंज कर लो या नेक्स्ट लाइन में लिखो, बर्नियर 1656 ईस्वी में भारत आया तथा 1668 में भारत से वापस गया, अर्थात यह 12 वर्षों तक भारत भ्रमण पर रहा। बर्नियर सबसे पहले भारत में शाहजहां के बड़े पुत्र दारा के चिकित्सक के रूप में रहा। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की मृत्यु होने के पश्चात बर्नियर दानिशमंद, ब्रैकेट में कर लेना, आर्मीनियाई अमीर, मतलब आर्मीनिया का था भैया ये, मुगल काल में एक अमीर था। दारा की मृत्यु के बाद दानिशमंद के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में भारत में रहा। फिर हेडिंग लगाओ भैया, पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने भारत की तुलना पश्चिम के देशों के साथ में मुख्य रूप से यूरोप के साथ की, मुख्य रूप से यूरोप के साथ की, और भारत को यूरोप की तुलना में काफ़ी दयनीय, गरीब तथा निर्धन देश बताया। बर्नियर ने अपनी करती ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर को फ्रांस के शासक लुईस 16वां को समर्पित किया, इस करती का अनुवाद अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषा में भी हुआ। 1670 से 1725 के मध्य बर्नियर के वृत्तांत का 8 बार फ्रांसीसी भाषा में तथा 1684 तक 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रण हुआ। ये हो गया है भैया आपका बर्नियर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और इस क्वेश्चन का जरूर से ध्यान रखना भैया, कमेंट के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। ओके, दैट्स